सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बचे हुए 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दबाव को इस यंत्र मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट है, गीले मानव शरीर का रेजिस्टेंस होता है। तो गीले मानव शरीर का रेजिस्टेंस होता है 5000 ओम। तो नेक्स्ट है, विद्युत द्वारा आग लगने पर शमन रसायन का प्रयोग करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। तो नेक्स्ट है, मानव शरीर पर विद्युत आघात की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो निर्भर करती है मानव शरीर से बहने वाले करंट के मान पर। तो नेक्स्ट है, लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग पैदा होती है क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस है। तो नेक्स्ट है, कार्बन का रेजिस्टेंस कम तापमान पर बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, दो बल्ब 100 वाट 230 वाट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, इसकी खपत क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, मैकर नापता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। निम्न मीटर में से कौन अधिक एक्यूरेसी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल मीटर। तो नेक्स्ट है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट करंट को नाप सकता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो नेक्स्ट है, HT केबल को कितने वोल्ट तक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33 kV। तो नेक्स्ट है, निम्न मीटरों में किसका रेजिडेंस कम से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर में। तो नेक्स्ट है, यदि एक अल्टरनेटर की स्पीड 3600 RPM से घटाकर 1800 RPM कर दी जाए तब प्रति फेज जनरेटेड EMF होगी 1/4 रह जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है लोड पर। तो नेक्स्ट है, लोड हटाने पर एक अल्टरनेटर की वोल्टेज गिरती है, यह दर्शाता है कि लोड कैपेसिटिव है। तो नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है वाट। तो नेक्स्ट है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.11। सॉरी, ऑप्शन सी, 1.1। तो नेक्स्ट है, निकल आयरन बैटरी अधिकतर डैश में प्रयोग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोप्लेन में। तो नेक्स्ट है, जिन पदार्थ की रिटेंटिविटी अधिक होती है उसे डैश बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है स्थाई मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट, DC जनरेटर में आर्मेचर की रेजिडेंस सामान्यतः होती है 1 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंड्यूट वायरिंग में दो शेडल के बीच की दूरी डैश से अधिक होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, अर्थ टेस्टर इज ए टाइप ऑफ ओममीटर। तो नेक्स्ट है, अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ डैश छड़ी होती है जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो नेक्स्ट है, BIS के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापना चाहिए ड्राई सीजन में। तो नेक्स्ट है, रिएक्टेंस का विलोम होता है ससेप्टेंस। तो नेक्स्ट है, एक AC सर्किट में KVA का अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट है, पावर फैक्टर जब एक यूनिट होता है तो दोनों वाट मीटर रीडिंग देंगे बराबर, इक्वल रीडिंग देंगे। तो नेक्स्ट है, रेगुलेशन की इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो यूनिट। तो नेक्स्ट है, इन डार्क लैम्प मेथड लैम्प्स आर कनेक्टेड इन अक्रॉस द टू फेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्रॉस दी टू फेज। नेक्स्ट है, सिक्रोस्कोप कार्य करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है। तो इसका ऑप्शन सी है, ये आप अच्छे से रट लेना। तो नेक्स्ट है, अल्टरनेटर में फेजों का क्रम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RYB। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की सीरीज हमने बना रखी है। तो
तो उन्हें आप ज़रूर देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट है 1000 वाट 240 वोल्ट का हीटर 15 एम्पीयर सॉकेट के साथ जोड़ा गया है, इसके लिए फ्यूज का साइज़ होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी 5 एम्पीयर। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्रेस के एलिमेंट का तापमान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक। तो नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस में तापमान नियंत्रण के लिए लगाया जाता है थर्मोस्टेट। तो नेक्स्ट है 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी डैश कोयला जलाने से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2700 क्विंटल। तो नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयोग होता है ऑयल इम्पेग्रेटेड पेपर का। तो नेक्स्ट है PILC केबल का प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लो दो था मीडियम वोल्टेज के लिए। तो नेक्स्ट है LED की अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। तो नेक्स्ट है सोडियम वेपर लैम्प प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका 40 से 50 ल्यूमन पर वाट। तो नेक्स्ट है क्रीपिंग दोष से बचने के लिए एनर्जी मीटर की डिस्क लगाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छेद करके। तो नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने का कारण है, ऑप्शन सी हिस्टेरेसिस लॉस घटाना। तो नेक्स्ट है द एक्साइटर इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज मोस्टली ए शंट जनरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कंपनी द्वारा सील किया हुआ फ्यूज लगाते हैं एनर्जी मीटर के बाद। तो नेक्स्ट है रोटेटिंग फील्ड टाइप 3 फेज अल्टरनेटर की शाफ्ट पर स्लिप की संख्या होती है 2। तो नेक्स्ट है अल्टरनेटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है KVA में। तो नेक्स्ट है मोटर की स्पीड निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए और बी नंबर ऑफ पोल एंड फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट है पाइप और थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई डैश से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.5 मीटर। तो नेक्स्ट है स्लिप बराबर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफरेंस ऑफ द टू। तो नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से होती है कम। तो नेक्स्ट है स्थिर लोड पर एक्साइटेशन कम या अधिक करने पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी पावर फैक्टर पर प्रभाव पड़ता है। डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंटिंग के लिए, हंटिंग कम करने के लिए की जाती है डैम्पर वाइंडिंग। तो नेक्स्ट है कौन सी सिंगल फेज मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिपल्शन मोटर। तो नेक्स्ट है वॉट मीटर नापता है ट्रू पावर। तो नेक्स्ट है क्लिप ऑन मीटर होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट है यदि 10 ओम मान के 10 रेजिस्टर समांतर में जुड़े तब इनका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ओम। निम्न पदार्थों में से किसका शून्य ताप कोएफिशिएंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीन का। निम्न धातुओं में से किस धातु की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। तो नेक्स्ट है एक स्थायी चुंबक में होनी चाहिए उच्च निग्राहिता। तो नेक्स्ट है किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव विथ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर। तो नेक्स्ट है निम्न में से किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक बेहतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकलाइट। तो नेक्स्ट है 1 वोल्ट बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जूल पर कूलम। तो नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को सामान्यतः प्रदान करने के लिए उपयोग में लाते हैं अधिक मान का कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट है एक कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज ज्ञात करने का सूत्र है, ऑप्शन सी क्यू बराबर है CV। तो नेक्स्ट है यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव होगा, ऑप्शन सी
एक बल उत्पन्न होगा, क्रिएशन ऑफ ए फोर्स। तो नेक्स्ट है, चुंबकीय फील्ड में बल तथा करंट प्रवाहित कंडक्टर को किस में नापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन में। तो नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूठा दर्शाएगा। तो नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को बनने का विरोध करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलेक्टेंस। तो नेक्स्ट है, रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करंट। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं रहता? तो सॉफ्ट आयरन में। तो नेक्स्ट है, विद्युत मशीनों में क्या कम करने से दृष्टि से लेमिनेटेड कोर प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडी करंट हानिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक पथ अधिक MMF प्राप्त करना चाहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एयर गैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो नेक्स्ट है, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट। ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट में दर्शाता है आयरन लॉस। तो नेक्स्ट है, दो ट्रांसफार्मर का पैरेलल लोड शेयर किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्पीडेंस पर यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से इंक्रीज इट्स स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट है, सेलियंट पोल टाइप रोटर्स मानित किन अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार पोल का अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है, इसकी वोल्टेज जनरेटेड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 Hz, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर का रोटर सदैव किस स्पीड पर घूमता है? लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट है, विच मोटर वर्क्स एट हाई PF, कैपेसिटर रन मोटर। तो नेक्स्ट है, सिनेमा प्रोजेक्ट में सामान्यतः कौन सा लैंप लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन आर्क लैंप। तो नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप के आंतरिक डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर है नियोन। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ल्यूमन। तो नेक्स्ट है, पार्किंग के स्थानों पर ल्यूमिनेशन होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है, जब सोडियम वेपर लैंप स्टार्ट करते हैं तो वह पहले कलर देता है रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फ्लोरोसेंट लैंप को लगाने से घूमती मशीनें उल्टी या स्थिर दिखाई देती है, इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट है, रोटरी कन्वर्टर को कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी उपरोक्त और बी दोनों, AC से DC में, DC से AC में। तो नेक्स्ट है, मोटर जनरेटर सेट की अपेक्षा रोटरी कन्वर्टर में निम्न लाभ है? ऑल एस अबव। तो नेक्स्ट है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ कंडक्टर लाइव कंडक्टर के ऊपर रहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल में इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अधिक होता है कंडक्टर की सतह पर? ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, रेजिडेंस को इस मापन यंत्र से नापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। 1 MΩ इज इक्वल टू 10^6 Ω। तो नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। तो नेक्स्ट है, विद्युत द्वारा आग लगने पर बुझाने के लिए प्रयोग करें? ऑप्शन सी, सैंड। तो नेक्स्ट है, औजारों को वर्षा के मौसम में जंग लगने से बचाने के लिए उसमें लगाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन MKS सिस्टम द यूनिट ऑफ द लेंथ मास एंड टाइम ऑफ एक्सप्रेस्ड इन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर KG सेकेंड। तो दोस्तों, ये था SSA
का प्रीवियस ईयर का पेपर, उतना ज़्यादा टफ तो नहीं था, इजी पेपर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।